मतलब एक मिनट, घर आ गया था, ये मेरी समझ में नहीं आया, मतलब ये अपना अमीर घर छोड़कर आपके गरीब घर में रहने आ गया, बड़ा इन्हें एक बंदा है। सर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, तुम बता दो ना। थैंक यू सो मच सर। हुआ क्या था कि इनकी मॉम और ये लोग एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे, एक दूसरे से बहुत नाराज रहते थे। अब जब मैंने इनको देखा तो मुझे लगा कि ये लोग आपस में प्यार बहुत करते हैं, लेकिन अपने ईगो की वजह से, अपने घमंड की वजह से एक दूसरे से बात नहीं करते, नाराज रहते। तो मैंने जमीन आसमान एक कर दिया इनके रिश्ते की मरम्मत करने के लिए। इस बीच में और भी बहुत कुछ हुआ, हम लोग मेरी सासू माम के घर, इनकी माम के घर किराया दे के रहे। जब भी इन्हें मेरी पेरेंट्स से मिलना होता था तो मैंने भेंदर में एक छोटे से घर का इंतजाम किया था, वहाँ हम मिला। सर बाथरूम का एक नल तो ठीक कर पाता नहीं था, बहुत ओवर स्मार्ट बनना था, सब कुछ आता है। हाँ हाँ, ये तो एक अच्छी गृहिणी का राष्ट्रीय उदाहरण है। मॉल जाती थी राशन लेने के लिए, वहां से नूडल्स, फरसान, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुकीज ये लेके आती थी। अब क्या कढ़ाई में डाल के उनकी सब्जी बनाऊं मैं? मेरी माँ से पूछ के तो खाना बनाती थी, मोमबत्ती गर्म करके मैगी खाया करते थे हम रात में। अच्छा तो ये बताइए, मतलब आप लोग अलग अलग कोने में बैठ के खाते थे? जी नहीं, साथ में, साथ में। अच्छा अब वो नल का क्या हुआ? अरे मतलब छोड़ो उसे, ये बताओ कि इन सब बातों से हासिल क्या हुआ? रोशनी तुम्हारी अपनी मम्मी से बात होती है अब? यस सर, हम बहुत अच्छे से रहते हैं। तो आप उनसे जुड़कर इनसे अलग होना चाहती हैं? कमाल है भाई। सर छह महीने। इस दुनिया में एक ऐसा देश, एक ऐसा शहर नहीं था जहां मैंने इनको नहीं ढूंढा। एक मिनट भाई साहब, आप ना ये फिजूल मेरा हीरो मत बना करो। क्या कह रहे थे आप अभी कि ये इनकी और इनकी मॉम, ये इन दोनों के बीच ईगो के चक्कर में कोई बातचीत नहीं होती, पर जब ये मिल गई तो आपने डाइवोर्स के पेपर फाइल कर दिए। आप ही ने फाइल किया था ना केस? जी हाँ मैंने फाइल किया था, लेकिन मैं क्या करता, हर इंसान की बर्दाश्त की एक सीमा होती है सर। जितना मैं बर्दाश्त कर सकता था मैंने किया, जब नहीं हुआ तो मैं यहाँ चला आया। आज अगर ये मेरे पास आएंगे और मुझसे ये कहेंगे कि मैंने इनके साथ, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि आपने किया, एक बात बताओ मुझे, आप दोनों कि आप दोनों फिजिकली करीब लास्ट टाइम कब हुए थे? मतलब एक लाइक जस्ट पति पत्नी की तरह, मतलब इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन आई एम आस्किंग, मगर तो क्या करूं? आप लोग जो है पूरे के पूरे अपने रिश्तों को या कोर्ट में उछाल रहे हैं, तो आप बताइए सब कुछ। दो दिन क्या इन्होंने क्या आपके साथ जबरदस्ती की?